आज फिर आप लोगों के लिए एक नया सवाल लेके आया हूँ, एक नया क्वेश्चन लेके आया। हर बार मेरा हर वीडियो एक सवाल के साथ चालू होता है। आज का सवाल है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में होगा या हर कोई इस सवाल का जवाब जानना चाहता होगा, ऐसा सवाल लेके आया हूँ। और हर बार मैं हर एक वीडियो सवाल के साथ क्यों चालू करता हूँ, क्योंकि हमारी आपकी जो लाइफ है, हमारी आपकी जो जिंदगी है, ये किसी न किसी क्वेश्चन में फंसी हुई है। रियलिटी बता रहा हूँ कि हर कोई किसी न किसी चीज का जवाब, ये जो सवाल है उसका जवाब जानना चाहता है, क्वेश्चन है उसका आंसर जानना चाहता है कि यार हम कब किस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं यार हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये अच्छी हैं या बुरी हैं। हमारे साथ अगर कोई चीज, कोई इंसिडेंट होता है या किसी हम प्रॉब्लम में है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा होता है, इस पर बात करेंगे। ऐसा टॉपिक है कि आपने बहुत कम इस टॉपिक पे वीडियो देखे होंगे या वीडियो सुना होगा। आज का जो टॉपिक लेके आया हूँ यार इतना जबरदस्त लेके आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो हम सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हमारे लिए पता नहीं हमारे उससे कब जाएगी, कब हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और कब हम इससे आजादी पाएंगे। लेकिन आपको आज जान के बड़ी हैरानी होगी या जान के बहुत अच्छा लगेगा कि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो उसका सॉल्यूशन इतना बढ़िया रिजल्ट देता है, इतना बढ़िया आपको फायदा मिलता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होता है। आज आपको वही पॉजिटिव, आपको प्रॉब्लम से आपको पॉजिटिव में लेके जाऊंगा कि कैसे हम एक प्रॉब्लम से एक इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आ सकते हैं। कितनी बढ़िया चीज सुनाने की कोशिश करूंगा, इतना बढ़िया आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अगर आपने वीडियो को अंत तक बने रहे, तो यहां से आप ऐसी चीज लेके जाओगे ना कि जिंदगी में आप ना कभी प्रॉब्लम से घबराओगे नहीं, कभी प्रॉब्लम से डरोगे नहीं। कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन आपके अंदर जो उसको झेलने की, जो उसको सहन करने की और उससे जो सीखने की शक्ति यहां से मिलेगी ना, वो आपको बहुत मोटिवेट करेगी। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया और अच्छी वीडियोस लाता हूँ, आपको मोटिवेट करता हूँ और थोड़ा सा जगाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आजकल की दुनिया में आपको पता है कोई प्रॉब्लम से हर आदमी के साथ प्रॉब्लम, अगर हम ये देखें ना कि प्रॉब्लम किसके साथ नहीं है तभी आपको नहीं, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको लगता है कि सामने वाला के पास बहुत पैसे हैं, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम हर किसी के पास है और हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता हो तो आपकी गलत फहमी है। और हर कोई प्रॉब्लम है, रियलिटी यही है कि अंदर से आप अगर कोई अगर आपको मन से बताएगा ना हकीकत, क्योंकि आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते, बताने की कोशिश नहीं करते, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम्स को अकेले अकेले झेलते रहते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि हर आदमी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें कुछ चीजें खास हैं, वो ये है कि कुछ खास बंदे होते हैं जिनको उस प्रॉब्लम को फेस करना आता है, उस प्रॉब्लम से निकलना आता है, उस प्रॉब्लम को उस प्रॉब्लम से मैं कहूंगा कि उसको मैनेज करना आता है, कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को मैनेज करें, कैसे हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकलें। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स अच्छी कैसे हैं। देखिए प्रॉब्लम्स अच्छी इसलिए हैं क्योंकि जब तक हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जब तक हम उस स्थिति में नहीं जाते, तब तक हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको आज एक उदाहरण भी दूंगा और कई चीजें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप अपने आप को एक बार सोच के देखो, अपने मन में इस चीज को विचार करो कि जब भी हम कंफर्ट जोन में होते हैं, जब हमारे पास ठीक ठाक हमारी जॉब चल रही हो या हमारा काम धंधा कोई ठीक ठाक चल रहा हो, तो हम कभी भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करते हैं। अभी ये वीडियो है, अगर मैं इसकी बात करूं, मेरे वीडियो जब भी ठीक चलते हैं मैं उसको सोचता हूँ कि चलो अच्छे वीडियो इसी तरह के बनाऊं, लेकिन जब वीडियो नहीं चलते तभी हम उस पर नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नए नए ट्राई करते हैं। रीजन, क्योंकि जब प्रॉब्लम आई ना तभी हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आदमी वही आगे निकलता है जिसने प्रॉब्लम झेली है। रियलिटी है ये, आपको अमीर दो ही आदमी मिलेंगे, या तो वो आदमी मिलेगा जिसने कभी प्रॉब्लम्स को झेला है, या जिसके साथ बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगा बहुत ही गरीब है जिसने सारी चीजें देखी, या फिर ऑलरेडी जो बहुत अमीर है उनमें से आपको, वो तो ऑलरेडी है ही अमीर, उसको और अमीर बनाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गरीब है ना, सबसे ज्यादा गरीब, बीच वाला जो हमारे आप जैसे मिडिल क्लास होता है ना, जो बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठा होता है, एक छोटा मोटा घर ले लिया, छोटे मोटे अपना दाल रोटी चल रही, ऐसा आदमी कंफर्ट जोन में बैठने वाला कहीं कुछ नहीं कर पाता। रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज को आप मान लेना अगर मेरी बात पे थोड़ा सा यकीन हो। क्योंकि करता वही है जिसको प्रॉब्लम्स होती है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं होती ना, ऐसे बंदे सोचते हैं यार मुझे कैसे भी रोटी मिले, तो वो बंदे मेहनत करते हैं, वो बंदे
काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है ना कोई चीज की, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, एक मैं छोटे से बच्चे की बात करता हूं जो कि लगभग 5 साल का होता है। 5 साल के बच्चे को अगर उसके फादर की डेथ हो जाती है, अब 5 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता कि यार दुनियादारी क्या होती है। आपको पता होगा 5 साल का बच्चा क्या पता, उसको कुछ ही नहीं पता। तो वो अपना ऐसे ही घर वालों के साथ खेलता रहता है, कुछ बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके घर वाले सपोर्ट करते हैं और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब उसको ये तो नहीं पता, उसको तो प्रॉब्लम्स और उसके बारे में आदमी को पता चल कब कितना बड़ा होगा। जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 10 साल का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसको लगने लगता है यार कि बाकी लोगों के पास पैसे हैं, सब कुछ है, बाकी लोग घूमने जा रहे, बाकी के फादर उनको घुमाने ले जा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता है। रियलिटी बताऊं, जो वो छोटा बच्चा होता है ना, वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं होती है, बाकी सबके पास होती है। तो करता कौन है, वो बच्चा करेगा ना जिसको नहीं मिला। अब वो क्या करता, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे उसके जो परिवार वाले होते, क्योंकि जब उसके फादर नहीं है तो वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनके परिवार वाले भी उसको मतलब जो जिस लायक होता है उस तरह की सपोर्ट करता है। तो उनमें से क्या होता है कि एक उसका जो भाई होता है, चचेरा भाई, वो उनको उस बच्चे को लेके जाता बाहर। अब बाहर लेके जाता, थोड़ा सा पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन होता क्या है कि कुछ दिन के बाद जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जो 10th क्लास करने के बाद पढ़ने में, गांव का बच्चा जब शहर में जाता है तो इतना होशियार होता नहीं। आपको पता है गांव में थोड़ी सी पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा कम पढ़ाई में। अब वो जब बाहर से पढ़ता है, इंग्लिश लोगों की इतनी कमजोर होती है गाँव की, मैं रियलिटी बताऊं बहुत ज्यादा, तो उस बच्चे को इंग्लिश में विद कंपार्टमेंट पास होता है, मतलब उसको 29 नंबर आते हैं आउट ऑफ 100, तो वो फेल हो जाता है। इंग्लिश फेल नहीं, मतलब विद कंपार्टमेंट पास हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब पास होने के बाद, अब जो भाई उसका पढ़ा रहा था, चचेरा भाई, वो भी सोचता है यार सारी मेहनत की, सब कुछ करा, इसको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा बच्चे को, और इसको तो क्या हुआ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम्स आई। धीरे धीरे उसने देखा कि यार अब जो भाई होता है उसकी भी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई तो आपको पता है कि पहले जैसा माहौल नहीं रहता, जब शादी के बाद सारी चीजें चेंज होती हैं। तो क्या होता है कि वो बच्चा दोबारा से गांव में आ जाता है, गांव में भेज दिया जाता है, और वो 10th के बाद अब उसने देखा कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। मैं आज इस कहानी को क्यों समझा रहा हूं, आपको क्यों सुना रहा हूं, इस कहानी को अगर पूरा सुन लिया ना, आपको बड़ी अच्छी सीख मिलेगी। तो जब उसको पता चलता कि यार उसको खुद ही सारी चीज करनी है, उसको सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर खुद ही आ गई, उसने प्रॉब्लम झेली, तो वो 10th के बाद सारी चीजें, अपना खर्चा अपने भाई बहन का लेके सारे का खर्चा खुद ही उठाता है, खेती करता है, और नॉर्मली वो सारी चीजें करता है 10th के बाद से। और धीरे धीरे करके एक बिगड़ा हुआ बच्चा, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, हकीकत कहानी है कोई, ये मैं इस चीज में कुछ बोल नहीं बता रहा हूँ, जो मतलब ऐसा बच्चा जिसने सारी प्रॉब्लम्स झेली है, सब कुछ देखा है, वो बच्चा धीरे धीरे करके सारी चीजें सीखता है। और एक दिन ऐसा आता है, वो कुछ पैसे की छोटी सी नौकरी, जब गांव में रहा वो 4-5 साल गांव में उसने काटे, उसके बाद क्या करता है, वो दोबारा से नौकरी के लिए बाहर आ जाता है, दिल्ली आ जाता है, दिल्ली में एक नौकरी पकड़ता है, छोटी सी नौकरी मिलती है उसको 5,000 की। 5,000 की नौकरी करने के बाद वो भी अपने सिस्टर की शादी करता है, खुद सारी जिम्मेदारियां लेता है, उसके बाद वो अपना घर बनाता है, अपने भाई को पढ़ाता है, उसके बाद वो अपना शहर में एक छोटा सा मकान खरीदता है, फिर एक प्लॉट खरीदता है, उसके बाद मतलब सारी चीजें करता है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें क्यों ऐसा बता रहा हूं, क्योंकि उस बंदे ने और उसके साथ वाले बंदों की बात करूं, बहुत सारे उसके साथ, बहुत सारे उसके दोस्त थे, बहुत सारे बंदे थे, लेकिन वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में थे, थोड़ा सा उनके माँ बाप सपोर्ट करते थे, थोड़ा सा उनके पास मतलब अच्छा था, वो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन जिस बच्चे को कुछ नहीं मिला, जिस बच्चे को जिसने प्रॉब्लम झेली, वो सारी चीजें समझ चुका था, सारी चीजें देख चुका था, तो धीरे धीरे करके वो आज ठीक ठाक, मैं कहूंगा इतना अमीर तो नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक अपना काम चला रहा है। इसलिए मैं आपको स्टोरी ये सुनाई, क्योंकि जिस चीज से हम डरते हैं, जिस चीज से हमें डर लगता है, उस चीज से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, वो आपको दो तरह से इफेक्ट करती है, उसके साथ आपके अच्छे के लिए भी होती है और बुरे के लिए भी। तो आप उससे जो सीख रहे हो उस चीज को आगे ले जाइए, उस चीज से आगे बढ़िए, धीरे धीरे करके आप देखोगे कि यार आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो आपको बहुत अच्छी सीख देती है। मैं कहूंगा जो प्रॉब्लम सीख देती है ना, देखो जब आपके पास सब कुछ होता है,
तब आप कुछ भी सीखने की कोशिश नहीं करते। जब आपके पास पैसे ना हो, कुछ भी ना हो, तब आप हाथ पैर मारोगे, चारों तरफ भागोगे, कुछ ना कुछ करोगे, कुछ नया करोगे। कहने का मतलब ये है, जब हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी हम सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। आपने देखा होगा, एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको, आप समझ जाओगे बहुत अच्छी तरह। क्या होता है कि एक बंदा होता है जिसको डॉक्टर बोलता है कि भैया आपको, एक बार उसको हार्ट अटैक आता, थोड़ा सा दर्द होता है, मतलब पूरी तरह नहीं आता, हार्ट अटैक छोटा सा आया। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आपको तो भैया आपका तो जो आपकी हार्ट वाली नस है वो ब्लॉक है, आपको तो सर्जरी इमीडिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब क्या करता है वो बंदा, डॉक्टर कहता है कि भैया आपको सारी चीज छोड़नी पड़ेगी, सारी चीज करनी पड़ेगी, आपको वॉक करना पड़ेगा, एवरीथिंग, मतलब जो भी बताता सारा वो कहता है हाँ जी करूंगा। तो ये सब क्या है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है ना, हम वो चीज करने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हम कभी सोचते भी नहीं है। पहले क्या था कि वो बंदा हर चीज खाता था, सारी चीजें मतलब ऐसा उल्टा सीधा खाता था, सब कुछ करता था, लेकिन जब प्रॉब्लम आई ना तो हम हर चीज छोड़ने के लिए तैयार हो गए, बॉक जाने के लिए तैयार हो गए, हर वो चीज करने के लिए तैयार हो गए जो हमारे लिए अच्छी है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम उससे सीखते हैं, तभी हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं मानता हूं, मेरा मेन मानना यह है कि यार ये जब तक आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आए उतना ही आपका रिजल्ट बेटर होगा। इस चीज को आप मान लो, इस चीज को आप चाहे जैसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही असली सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो प्रॉब्लम है। जब तक हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक आपने प्रॉब्लम नहीं देखी होगी, तब तक आप बढ़िया से सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि उस चीज की वैल्यू आपको तभी पता चल सकती है जब आपने वो प्रॉब्लम झेली हो, जब आपने वो चीज देखी हो। तो कहने का मतलब आज मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की दो एग्जाम्पल से, वो ये समझाया कि यार प्रॉब्लम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम से हम सीखते हैं। अगर कंफर्टेबल जोन में हम बैठे रहेंगे ना, कभी कुछ नहीं सीखेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जहां प्रॉब्लम आई, जहां हमने कुछ झेला, उसका हमें रिजल्ट पता रहेगा। कोविड का सबको याद है, क्यों याद है, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबने प्रॉब्लम झेली। अब जिसने झेली है वो वहां से कुछ ना कुछ सीखा भी है, लोगों ने पैसा बचाना सीख लिया है वहां से, कोविड से। लोग कई लोग देखो कितने आगे निकल गए कोविड से, रियलिटी बता रहा हूँ। कोविड में कुछ लोग तो चले गए, लेकिन कुछ लोग बन गए कोविड में। तो वही चीज है, देखो हर चीज का प्लस और माइनस होता है, हर चीज में दो पार्ट होते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीख। हर संडे को सुबह 9 बजे मेरा वीडियो आता है, देखना बिल्कुल मत भूलना। एवरी संडे आपको 9 बजे वीडियो मिलेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए। जय हिंद।